नमः शिवाय, जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ सावन के बुधवार के बुधवार किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूं जो आपके जीवन को पूर्णतः बदल देंगे। नौकरी व्यवसाय में तरक्की उन्नति के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में आप जितना चाहें उतना ज्यादा आप आगे बढ़ें। बुध ग्रह से अगर पीड़ित हैं, बुध दोष है आपकी कुंडली में, उसके लिए जो बौद्धिक क्षमता है उसमें अगर विकास चाहते हैं, अगर आपका काम ऐसी चीज से जुड़ा हुआ है जिसमें आपके जो बोलने की जो वाणी पटुता है वो चाहिए, उसकी जरूरत अगर आपको है, तो बुधवार के ये उपाय आपको जरूर करने चाहिए। ये आर्थिक, बौद्धिक और मानसिक तीनों ही क्षेत्रों में आपको सफलता दिलाने वाले उपाय हैं दोस्तों। तो इन उपायों को आप अपने खुद के लिए कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। श्रावण मास के हर बुधवार इन उपायों को आपको अपनाना चाहिए दोस्तों। इस तरह की वीडियोस अगर आपको भी पसंद आते हैं और आप अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके पर पहली बार आए हैं, यह वीडियो आगे आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। इस तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा सनातन धर्मियों तक जरूर पहुंचाइए ताकि वो भी इसका इसी श्रावण माह में लाभ उठा सके। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो बुध ग्रह के नाम पर बुध, जो बुधवार का दिन है उसका नाम पड़ा है, नामकरण हुआ है। बुध का जो दिन है, बुधवार का जो दिन है, वो भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है और माता दुर्गा की भी इस दिन हम पूजा आराधना विशेष करते हैं। दोस्तों, श्रावण मास का बुधवार बहुत ज्यादा आपके जीवन में बड़े बदलाव और बहुत फौरन लेकर आ सकता है अगर इन उपायों को आप अपनाते हैं। तो यहां पर एक एक कर मैं चार उपाय आपके साथ अब शेयर करूंगी। उन चारों में से आप चाहें तो चारों अपनाएं या आप चाहें तो एक या दो उपाय भी अपना सकते हैं। पहला उपाय दोस्तों, बुधवार के दिन आप रोजाना की तरह भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, तो आज के दिन आपको अपने अभिषेक के जल में हरे मूंग डालकर इसी जल से भगवान शिव का, भोलेनाथ का अभिषेक करना है। आप चाहें तो सवा के हिसाब से सवा किलो मूंग ले लें, हरा मूंग, उसको गीला करें और उसको गीले करके भी आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। ये एक महाकल्याणकारी उपाय है अगर बुध ग्रह से दोष से पीड़ित हैं आप, अगर आपके व्यापार में, नौकरी में आपकी उन्नति नहीं हो रही है, शिक्षा के क्षेत्र में जो तरक्की चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, बौद्धिक क्षमता का जो विकास आप चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, उसके लिए उपाय एक रामबाण उपाय है जो आपको श्रावण मास के हर बुधवार को जरूर अपनाना चाहिए। दूसरा उपाय दोस्तों, श्रावण मास के हर बुधवार को आपको नंदी जी को हरा चारा जरूर खिलाना है। दोस्तों, किसी भी नंदी को आपको देखिए, कहीं भी शहरों में, गांव में, हर जगह नंदी मिल जाते हैं, तो आपको उनको चारा खिलाना है। आप हरी घास खिलाएं, आप पालक या कोई भी, अगर शहर में रहते हैं तो कोई भी ऐसे साग लेकर खिलाएं जो कि वो खाएं, इससे भी बुध ग्रह दोष समाप्त तो होता है, हर प्रकार से आपके जीवन में उन्नति होती है, शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी व्यवसाय में तरक्की आपकी होती रहती है, आर्थिक बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलता है। तो ये आप हर बुधवार को श्रावण मास के इस उपाय को जरूर अपनाएं। तीसरा उपाय दोस्तों, बुधवार, जैसे मैंने बताया कि गणपति का दिन है और गणपति को सबसे प्रिय है हरी दूर्वा, तो आज के दिन आपको गणपति को 11 दूर्वा की एक गांठ बना लें या 21 दूर्वा की एक गांठ बना लें और उस गांठ को आप गणपति महाराज को अर्पित करें। ऐसी ही एक गांठ आप भगवान शिव को अर्पित करें। दोस्तों, ये उपाय भी एक बहुत ही चमत्कार उपाय है अगर आप हर बुधवार को ऐसा करते हैं, दूर्वा, गणपति और भगवान शिव को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। इससे यकीन मानिए, जो भी आप चाहते हैं आपके जीवन में आप वो हासिल कर लेंगे, आपका आर्थिक, बौद्धिक, मानसिक हर तरह से विकास ही विकास होता चला जाएगा। तो इस उपाय को आपको जरूर कर लेना है। अब दोस्तों, चौथा उपाय, बुधवार के दिन आपको हरी मूंग को दान करना चाहिए, हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो आप हरी मूंग ले लें, किसी भी ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं, किसी भी जरूरतमंद को आप दान कर सकते हैं, जरूर कीजिए। इससे भी आपके आर्थिक क्षेत्र में, आपके बौद्धिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। हरी वस्तुओं में से आप कुछ भी दान कर सकते हैं, जैसे हरे कपड़ों का दान करें, हरे अन्य जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, हरी कोई ऐसी वस्तु जो जरूरतमंद को जरूरी हो वो आप दान कर सकते हैं। हरी मूंग का दान तो आप जरूर करें। तो इस प्रकार से ये जो चार उपाय हैं बुधवार
प्यार के अगर आप अपनाते हैं दोस्तों, यकीन मानिए आपके जीवन में खास तौर पे जो बुध ग्रह है ना, अगर उसकी दोष है तो आपको आर्थिक क्षेत्र में तो आपका ह्रास होता ही होता है, बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं होता, नौकरी व्यापार में उन्नति नहीं होती है, तो अगर शिक्षा के क्षेत्र में आपका विकास नहीं होता, आप अग्रसर नहीं हो पाते हैं, तो बुध को अगर आप प्रबल करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि दोषी है, अगर आप प्रबल भी करना चाहते हैं तो आपको इन उपायों को जरूर अपनाना चाहिए। तो चार उपाय हैं, चारों में आप दो उपाय कर सकते हैं, चारों करें तो बहुत ही अच्छा है। उम्मीद करती हूं जो ये जानकारियां मैंने आपके साथ शेयर की है आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे श्रावण मास में इस तरह मैं आपके साथ बहुत सारे उपायों की वीडियोस लगातार शेयर करती रहूंगी। श्रावण मास महात्म्य मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, श्रावण मास का महात्म्य भी आप जरूर सुने। तो उम्मीद करती हूं ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।